तो हाय गाइस, तो जैसे मैंने कहा, मेरे जो वीडियोस है वो अभी तीन पार्ट्स में आएगा। तो पहला पार्ट जो है वो है एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि मैं हेल्थी लाइफस्टाइल में विश्वास रखता हूँ। थोड़ा जो ट्रैवलिंग के वजह से थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो वो मैं पहले जो 1-2 हफ्ते में मुझे वो सारे रिकवर करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करूँगा। तो ये जो 2 हफ्ते का जो एक्सरसाइज है वो मैं इंस्टाग्राम में, जैसे रील्स होता है, शॉर्ट्स होता है यूट्यूब में, वैसे मैं अपलोड करूँगा। और आई होप यू लाइक इट। तो आज हमारा पहला दिन है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट क्लिप। मेरा राइट शोल्डर जो है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग एंड द स्लीपिंग इनसाइड द कार एंड ऑल दैट जैस। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पेन है वो ख़त्म हो जाए। फोम अच्छे है तो डेफिनेटली ये भी सही हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मेरा बैक में भी पेन हो रहा है, तो वो भी मुझे ठीक करना है। तो फोम के ऊपर और वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप और कूल ऑफ, एक्सरसाइज के बाद जो कूल ऑफ पीरियड होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे मैं अगले 2 हफ्ते में कवर करूँगा। रेगुलरली ये जो वीडियोस है एक्सरसाइज का वो नहीं हो पाएगा, मगर जो स्टोरीज है उसमें तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे डिटेल्स वहाँ पे भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा 90 डेज का चैलेंज है। 60 डेज तो मैं यही पे, मतलब घर पे ही होगा, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट। एंड 30 डेज जो है वो मैं दिल्ली में होगा, क्योंकि मैं सिंगापुर के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो उसका तैयारी है ये सारे के सारे। सो मैं वो भी कैप्चर करके आपके आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो दैट्स वाई द रीज़न आई एम डूइंग दिस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आप लोग ये पहली बार मेरे जो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है बिग बॉय एडवेंचरर करके, यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़। 20th को हमारा पूरा वीडियोज़ जो है वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन वर्ड्स। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू एनकैप्सुलेट जो होता है ना डेली मोटिवेशनल वीडियोज़, डेली कोड्स जो जो भी होता है वो भी मैं करूँगा इंस्टाग्राम में रील्स के तौर पे। तो यू कैन ऑल्सो यू नो चेक आउट दोज वीडियोज फ्रॉम 20th ऑनवर्ड्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखियो, आई एम डूइंग ऑल दीज वीडियोज एडिटिंग एंड ऑल दैट फ्रॉम हेयर। सो एनी वे, सो लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल अपलोड दिस अलॉन्ग विद द वीडियो। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी इन माई वीडियोज प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और वैसे तो मेरा डेली व्लॉग्स तो आपको दिख ही जाएगा, ट्रैवल वीडियोस जो भी है दैट विल बी अपलोडेड फ्रॉम मंडे अप अंटिल फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली। मैं कोशिश करूँगा कि फ्राइडे सैटरडे जो संडे वीकेंड के तौर पे कुछ अलग पेश करने का। सो लेट मी सी व्हाट कैन आई डू फ्रॉम द लिमिटेड टाइम विच आई हैव हियर। एंड ऑल्सो ये जो वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ सब लोग अपने घर पर ही कर सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दोज रूटीन्स यू कैन ऑल्सो डू दैट। आई विल ऑल्सो अपलोड द न्यूट्रिशंस वट एवर आई एम हैविंग ऑन अ डेली बेसिस। इफ़ यू वॉन्ट फॉलो दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो। आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग एटलीस्ट 10 to 15 kg। इट इज़ नॉट पॉसिबल 60-90 डेज में, बट आई विल ट्राई। कोशिश करने में क्या जाता है, पहले तो मैं 125 kg हुआ करता था और 6 महीने में आई यूज टू हैव आई गॉट माई 6 packs। एनी थिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस माई लाइफ स्टाइल विद माई डेली रूटीन। तो इफ यू वॉन्ट फॉलो इट, फील फ्री टू फॉलो, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आई हैव गॉट 12-13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन you know body building and healthy things and all that. So if you want to ask me anything with my limited knowledge, I can share my information or whatever information I have. If not, I can consult with my trainers and other people who are actually helping me out and send you the details across. So see ya. I hope you love my videos. Thank you.
सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये छोटा सा क्लिप है, मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसके वजह से थोड़ा सा वार्म अप कर रहा है। और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं लगातार ड्राइविंग कर रहा था और ऊपर से मैं गाड़ी में ही सो रहा था तो राइट शोल्डर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हम लोग आज पूरा का पूरा जो वार्म अप जो एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई वर्कआउट करता है तो पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, और हम आज रेसिस्टेंस बैंड से कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि मैं फोम थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ।